तकरीबन आधे महीने गुजर गए, इंसाफ अब भी लापता है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ देवरिया हत्याकांड। इस हत्याकांड में आए दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी में आज एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी जाग उठे हैं और उन्हें पीड़ितों की याद आ गई है। आज अखिलेश यादव देवरिया हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। वह हवाई जहाज से गोरखपुर तक पहुंचे और फिर वहां से अपने कार से फतेहपुर गांव तक जा रहे हैं। इस दौरे के देखते हुए प्रशासन भी हाइपर मोड में है। हाइपर मोड का आशय आप समझ रहे होंगे, पूरा जोरों शोरों से लग गए होंगे और इसीलिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। कल शाम पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे शांति व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो। बिना पुलिस की अनुमति के गांव में किसी के भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है, यानी गाँव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गाँव के हर चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। गाँव का जो पास का बाजार है गौरी बाजार, उसके पास से ही नाकाबंदी कर दिया गया है और चेकिंग के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि चाहे योगी बाबा जाएं, चाहे अखिलेश यादव जी जाएं, लेकिन मेन मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। इस घटना में एक बहुत ही बड़ी बात आज सामने आई है कि जब अखिलेश यादव जी वहां जा रहे हैं तो ऐसे में यह एक बात जो आपको हैरान कर देगी वह यह है कि मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने एक बड़ी बात कही है। देवेश ने यह कहा है कि वह अखिलेश यादव से मिलना नहीं चाहता है। उसने कहा 2014 में इन्हीं यानी अखिलेश यादव कि सरकार में हमारे चाचा जो कि मंदबुद्धि थे साधु बाबा, उनको बहला फुसला करके बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई रकम दिए जमीन का बैनामा करा लिया गया था। देवेश ने पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधा है कि सपा के ही सरकार में बंदूक की नोक पर हमारा घर बनवाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया था। जब तक बंटवारा नहीं होगा घर नहीं बनेगा, हमारा खेत हथियार के दम पर कब्जा होता रहा, स्कूल और वन विभाग की जमीन पर महल बनते रहे, इसलिए मैं अखिलेश यादव से मिलना नहीं चाहता हूँ। देवेश अभी बच्चा है, उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इस तरह की सलाह उसे दे कौन रहा है? उसके सलाहकार जो उसे ऐसी सलाह दे रहे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं यही कहूंगा कि देवेश के सलाहकार उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहे हैं और इस घटनाक्रम में अनुचित चीज ला रहे हैं। मैं इसमें देवेश का दोष नहीं दूंगा क्योंकि देवेश अभी बच्चे हैं। जिसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया हो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी हम सभी भली भांति जान सकते, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यह बात उनके सलाहकारों को भी समझनी चाहिए कि उन्हें किस तरह की सलाह देनी चाहिए, किस तरह की सलाह नहीं देनी चाहिए। खैर, जब प्रेमचंद यादव की पत्नी यह कह सकती हैं कि एक भी आरोपी जिंदा होगा तो मैं उसे मार दूंगी, तो देवेश अभी बच्चा है। माना कि प्रेमचंद यादव की पत्नी का सुहाग उजड़ा है, उनकी भी मानसिक स्थिति बुरी होगी। जो उन्होंने खोया है वह नहीं खो सकता, कोई और नहीं खो सकता। किसी का भी पति गुजरेगा तो क्या स्थिति होगी हम सभी भली भांति जानते हैं। तो देवेश तो अभी बच्चा है, लेकिन ऐसे चीजों से बचना चाहिए। दोनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए न्याय उचित रूप से मिलना चाहिए। ऐसे में प्रेमचंद यादव की बेटी ने जो बयान दिया है वह भी काफी सराहनीय है। उसने कहा कि न्याय दोनों परिवारों को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव के देवरिया जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने उन पर हमला किया है और कहा है कि इस घटना को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आना चाहिए, लेकिन जब यादव समुदाय से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें दुबे परिवार से भी मिलना चाहिए। मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में इंसाफ चाहते हैं तो उन्हें दोनों परिवारों से मिलना चाहिए और राजनीति से अलग हटकर इंसानियत के नाते इंसाफ की बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति की। लेकिन यही चीज भाजपा के नेताओं पर भी निर्भर करती है। क्या वो कभी समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है वो भी वही कर रहे हैं? वह भी सिर्फ दुबे परिवार के यहाँ गए, यादव परिवार के यहाँ नहीं गए। वहीं भाजपा के यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार का संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी किया, तो अखिलेश यादव को बेवजह वहां जाकर राजनीति करके अपने एजेंडे को चमकाना नहीं चाहिए। नेताओं के दौरे इसी तरह होते रहेंगे लेकिन इंसाफ और मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने से पहले ही सालों से बदहाल पड़ी बेरिया चौराहे से लेकर फतेहपुर गांव तक की सड़कें रातों रात बना दी गई है। जरा सोचिए प्रशासन ने कितनी तेजी दिखाई है। स्थानीय लोगों ने यह कहा कि वह सड़क 5-6 सालों से बहुत ही बदतर हालत में थी, लेकिन अखिलेश यादव के आने की वजह से यह रोड पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है और साथ में फतेहपुर के आगे का रास्ता जो है वो बुरी तरह से खराब है, वह उसी तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन वह नहीं बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव उधर नहीं जा रहे हैं। इसमें एक सवाल और उठता है कि रोड बना वास्तव में जो रोड बनाया गया वह सम्मान है या खौफ है? राजनीति से जुड़े लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कोई अखिलेश यादव का सम्मान बता रहा है तो कोई उनका खौफ बता रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि क्या पता सड़क का वीडियो बनाकर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो भाजपा की थू थू होने लगती है, इस डर से रोड बनाया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बहुत तेजी दिखाई है सड़क बनाने में, कर्फ्यू लगाने में, चेकिंग करने में, अगर यही तेजी पहले दिखाई होती तो शायद आज इतना करने की नौबत ही ना आती। देवेश का परिवार सुरक्षित हो, प्रेमचंद यादव भी जिंदा हो, किंतु पुलिस वालों ने अपनी पहचान को बनाकर रखा है। पुलिस वालों की पहचान है कि वह घटना होने के बाद ही एक्टिव होते हैं और वह हर मुद्दे में इस चीज को सिद्ध करते रहे। साथ में एक सवाल और खड़ा हो रहा है
कि अगर सत्य प्रकाश की बेटी ने इंटरनेट से सब कुछ निकालकर 112 पर फोन किया था, कप्तान से बात की थी, अगर यह सारी चीजें ठीक है, तो फिर 112 पर फोन करने के बाद किसी ने अगर जवाब नहीं दिया तो इस हत्याकांड के जिम्मेदार वह अधिकारी भी हैं, और पहला बुलडोजर उन अधिकारियों के घर पे चलना चाहिए। कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और जो सत्य प्रकाश दुबे की बेटी ने बात कही है उसी के तह तक जाकर सच्चाई निकालनी चाहिए। 112 पर फोन किया था, फोन अगर उठाया नहीं गया तो यह पूरा ब्यौरा आज भी मुख्यालय में होगा, 112 के हेडक्वार्टर में होगा, तो इसकी जांच आखिर क्यों नहीं हो रही। और अगर जो जिम्मेदार हैं उनकी बेटी की बात अगर ठीक है तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन इन अधिकारियों पर भी होना चाहिए। निलंबन का अर्थ यह नहीं होता कि कोई दोषी है, घटना के होते ही प्रथम दृष्टया निलंबन होता है। दोस्तों अब समय आ गया है कि सरकार दोनों परिवारों को न्याय दिलाए और पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच की जाए, इस घटना को राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि इंसानियत की दृष्टि से देखा जाए, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जाए और किसी भी अन्य का परिवार न उजड़े, क्योंकि चाहे दुबे परिवार हो यादव परिवार हो, नुकसान तो दोनों परिवारों का हुआ है और जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, दोनों परिवार को न्याय दिलाकर जरूर उन्हें सांत्वना दी जा सकती है और एक मिसाल पेश की जा सकती। मैं सूर्यांश गौरव, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।